अत्याचारी पति। साक्षी नाम की एक लड़की अपने पिता जितेंद्र के साथ एक गांव में रहती थी। उसके पिता मजदूरी का काम करते थे, लेकिन गंभीर रूप से बीमार हो जाने की वजह से डॉक्टर उन्हें काम करने से मना कर देते हैं। साक्षी के माता का स्वर्गवास कुछ साल पहले ही हो चुका था। साक्षी घरों में जाकर साफ सफाई का काम किया करती थी और काम से जो पैसे मिलते थे वो उनसे अपने बीमार पिता की दवाइयाँ खरीदती थी और घर का खर्च चलाती थी। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद उसके सर से पिता का साया भी उड़ गया। पिता के चले जाने के बाद साक्षी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। जैसे तैसे वो अपना गुजारा कर रही थी। साक्षी के मामा मामी को जब ये बात पता चलती है तो वो साक्षी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। साक्षी के मामा मामी बहुत ही लालची थे। अरे अरे, अब हमें साक्षी की शादी जल्दी करवानी पड़ेगी, आखिर इतने समय तक उसका खर्चा भी तो नहीं उठा सकते ना। लेकिन बिना माँ बाप की बच्ची से शादी कौन करेगा। लड़कों की कमी थोड़ी ना है गांव में। अरे इस गांव में ना सही, पर पड़ोस के गांव में एक लड़का है आरव, लेकिन वो लड़का बहुत शराबी और नकचड़ा लड़का है। लड़कियां उस लड़के से दूर भागती है। भले ऐसे नकचड़े से शादी कौन करेगा, लेकिन उसके माता पिता ने कहा है कि जो लड़की उसके बेटे से शादी करेगी वो उस लड़की से दहेज भी नहीं लेंगे, बहुत पैसे वाले हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो देर किस बात की, कल ही रिश्ता पक्का करके आते हैं। भोली भाली साक्षी अपने मामा मामी के कहने पर शादी के लिए तैयार हो जाती है। साक्षी की शादी आरव से हो जाती है। कहने के लिए तो साक्षी के ससुराल वाले बहुत ही अमीर थे। धन दौलत जमीन जायदाद किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग दिल के बहुत ही गरीब थे। वहीं दूसरी ओर साक्षी का पति आरव शराबी था। हर दिन शराब पीता था और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता था। जब भी रात को घर आता तो हमेशा पी कर ही आता था। यही आरव की असलियत थी, जो साक्षी को बाद में पता चली। कभी भी आरव ने साक्षी को पत्नी का दर्जा नहीं दिया। एक दिन आधी रात के समय आरव के शराब पीकर घर आने पर साक्षी बोल पड़ी, सुनिए आप इस तरह शराब मत पिया करें, इससे आपकी सेहत खराब हो जाएगी। तुम इस घर में केवल इस घर का काम करने के लिए लाई गई हो, हक जताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी करता हूँ तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम जैसे गरीब लड़की को मैंने घर की जगह दी वही बहुत बड़ी बात है। चुपचाप नौकरानियों की तरह अपना काम खत्म करो और घर के किसी कोने में पड़ी रहो, समझी। इसके बाद आरव साक्षी को मारने पीटने लगा। ये सब साक्षी के सास ससुर खामोश होकर देखते रहे और अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। ये सब देखकर साक्षी को बहुत ही दुख हुआ। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अकेले कमरे में बैठकर मन ही मन कहती है, पहले माँ छोड़कर चली गई, कुछ समय बाद पिताजी का साया भी उठ गया। मामा मामी ने पराए घर की लड़की समझकर कुछ समय तक पाला पोसा। सब पता होने के बाद भी मेरी शादी ऐसे घर में कराई। मुझे लगा मामा मामी ने शादी कराई है तो ससुराल वाले अच्छे ही होंगे, लेकिन मुझे यहाँ भी प्यार नहीं मिला। ऐसे जिंदगी का मैं क्या करूँगी, अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता, मैं मरना चाहती हूँ। साक्षी मन ही मन आत्महत्या करने के बारे में सोचने लगी। अगली सुबह सबके उठने से पहले ही वो मंदिर के पास वाले तालाब में डूबकर मरने के इरादे से चली गई। लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद जब वो तालाब की ओर जा रही थी, वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को अपने घर में पाया। उसके आसपास उसके सास और ससुर और डॉक्टर खड़े थे। डॉक्टर उसकी सास को साक्षी के गर्भवती होने की खबर देती है। साक्षी की आंखें नम हो जाती हैं। ये मैं क्या करने जा रही थी, भगवान तेरा शुक्रिया, आपने मुझे इतना बड़ा पाप करने से रोक लिया। जब साक्षी ने आरव को बताया कि वो माँ बनने वाली है, सुनिए आप पिता बनने वाले हैं। इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने। आरव को साक्षी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की कोई परवाह नहीं थी। 3 महीने बाद साक्षी की सास साक्षी को हॉस्पिटल ले जाती है। वो डॉक्टर से अकेले में कहती है, पेट में पल रहा बच्चा अगर लड़का है तो बहुत अच्छी बात है,
लेकिन अगर लड़की है तो उसे कोख में ही मार दो। इस काम की तुम्हें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। अपनी सास की ये सारी बातें कमरे के बाहर खड़ी साक्षी सुन लेती है। अपनी सास के वहाँ से जाने के बाद वो डॉक्टर से विनती करती है। डॉक्टर साहिबा, मैं अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती, मुझ पर एक एहसान कर दीजिए, मेरे बच्चे को मत मारिए। लड़का हो या लड़की, मुझे अपना बच्चा प्यारा है। डॉक्टर एक माँ की भावनाएं समझ जाती है। जांच के बाद ये पता चलता है कि साक्षी के पेट में पल रही बच्ची लड़की है, लेकिन वो साक्षी की सास से झूठ बोलती है कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है। ये खबर सुनकर उसकी सास बहुत खुश होती है। इसी तरह कई महीने गुजर जाते हैं। डिलीवरी डेट नजदीक आ जाती है। हमेशा की तरह रात को आरव शराब पीकर घर आया और आते ही अपने कमरे में सो गया। तभी अचानक आरव के पिता को दिल का दौरा पड़ता है। उसकी माँ घबराते हुए आरव के कमरे में जाती है। बेटा उठो, तुम्हारे पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया, जल्दी उठो, उनको अस्पताल लेकर जाना है। अरे उठो ना। अरे मेरी नींद क्यों खराब कर रही हो, अब चली जाओ यहाँ से। अपने बेटे की ये बात सुनकर उसकी माँ रोते हुए घबराई हुई वहाँ से चली जाती है। लेकिन साक्षी फौरन एम्बुलेंस को फोन करती है। साक्षी के ससुर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सही समय पर हॉस्पिटल पहुँचने की वजह से उनकी जान बच जाती है। अगली सुबह, तुम कैसे बेटे हो, तुम्हारे पिताजी को रात को दिल का दौरा पड़ा और तुम सो रहे थे। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत थी तुम सो रहे थे। पर माँ, मुझे कल रात की बात बिल्कुल भी याद नहीं है। मैं तो बहुत नशे की हालत में था, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। तुम्हें याद कहाँ से रहेगा, 24 घंटे तो शराब के नशे में रहते हो। अपनी माँ की बात सुन गुस्से से आरव घर से बाहर चला जाता है। बहू, तो अपने पति को समझाती क्यों नहीं, उसे अब घर की जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बचपन से आपने अपने बेटे को सातवें आसमान पर चढ़ा कर रखा है। उसे कभी ये नहीं समझाया कि शराब पीना सेहत के लिए कितना हानिकारक है। उसे कभी ये नहीं समझाया कि पत्नी पर हाथ उठाना कितना बड़ा पाप है। अपने बाप बनने की खबर सुनकर जिसके चेहरे पर खुशी की एक लकीर भी ना देखी, आपने उन्हें ये नहीं समझाया कि बाप बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। अब वो मेरी बात क्या समझेंगे। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो शराब पीने लगा, इसके पिताजी को लगा अमीर लोगों का शौक होता है शराब पीना, लेकिन ये शौक कब लत में बदल गया हमें पता ही नहीं चला। जुए में वो आधी जायदाद हार चुका है। हमें अपने पैसों का बहुत घमंड था, लेकिन अब हम जल्द ही कंगाल होने वाले हैं। आपका बेटा आपके हाथ से निकल गया, इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है। आपकी जमा पूंजी क्या चली गई, आपको इतना दुख हो रहा है। आरव की माँ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो साक्षी से माफ़ी मांगती है। अगली सुबह साक्षी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसे जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और कुछ ही देर में साक्षी एक प्यारे से बच्चे को जन्म देती है। कुछ समय बाद आरव भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो साक्षी, मैंने अपनी जिम्मेदारियाँ कभी नहीं समझी, अब मैं एक जिम्मेदार बाप बनूंगा। अपने पति के अंदर आए छोटे से बदलाव को देखकर साक्षी खुश हो गई। जादुई चांद का घर। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में तीन डायन बहनें रहती थी। तीनों डायन बहनें बहुत ही बुरी और जालिम थी। एक दिन तीनों बहनें अपने काले जादू के प्रयोग के लिए पास के गांव में जाने का फैसला करती हैं। उनमें से पहली डायन कहती है, हमें अपने काले जादू की सफलता के लिए कुछ बच्चों की बलि चढ़ानी होगी। हम एक काम करते हैं, पास वाले गांव से बच्चे लेकर आते हैं, उसके बाद उन सभी बच्चों की बलि चढ़ा देंगे। उसके बाद तीनों बहनें बच्चों को पकड़ने के लिए पास के गांव में जाने लगती हैं। तभी उन्हें गांव के मैदान में कुछ छोटी बच्चियां खेलते हुए दिखाई देती हैं। यही अच्छा मौका है, चलो इन छोटी लड़कियों को पकड़कर अपने साथ लेकर चलते हैं। उसके बाद तीनों बहनें उन बच्चियों को घेर लेती हैं। बच्चियां बहुत घबरा जाती हैं और रोते हुए कहती हैं, अरे तुम कौन हो और हमें इस तरह से घेर कर क्यों खड़ी हो। हमें अपने काले जादू की सफलता के लिए बच्चों की बलि चढ़ानी होगी।
इसलिए हम तुम सबको यहाँ से ले जाने आए हैं। चुपचाप हमारे साथ चलो। इतना सुनकर चारों बच्चियाँ बहुत रोने लगती हैं। थोड़ी देर बाद ही तीनों बहनें बच्चियों को रस्सी से बांध देती हैं और अपने साथ ले जाने लगती हैं। तभी रास्ते में उनके सामने एक बड़ा सा चांद का घर प्रकट हो जाता है। चांद के घर में बहुत सारी खिड़कियाँ होती हैं और एक दरवाजा लगा हुआ था। अरे ये तो चांद का घर है, मैंने सुना है इस चांद के घर में एक शक्तिशाली परी रहती है। डायन के इतना कहते ही चांद का दरवाजा खुल जाता है। उसके अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत परी आती है जिसका नाम तारा होता है। तारा परी डायनों से कहती है, चलो अभी के अभी इन सारी बच्चियों को छोड़ दो वरना मैं तुम तीनों को नहीं छोड़ूंगी। परी की बात सुनकर सभी बच्चियाँ बहुत खुश हो जाती हैं। तभी पहली डायन अपनी बहनों के कान में कहती है, हमें इस परी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये परी अकेली है और हम तीन हैं। आसानी से हम इस परी को सबक सिखला सकते हैं। तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी से परी पर हमला करने लगती हैं। लेकिन कुछ पलों में ही तारा परी विशाल परी का रूप धारण कर लेती है। उन तीनों डायन की शक्तियों का परी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये सब देखकर तीनों डायन बहनें घबरा जाती हैं। अरे ये परी तो बहुत शक्तिशाली है, इसने तो इतना विशाल रूप धारण कर लिया है, अब हम इसका सामना नहीं कर पाएंगे। चाहे कुछ भी हो हमें इस परी से नहीं डरना चाहिए। चलो अपनी जादुई तलवार निकाल कर इस परी के हाथ काट देते हैं। तीनों अपनी जादुई तलवार प्रकट करके परी के हाथ काटने के लिए आगे बढ़ती हैं। लेकिन तभी परी उन तीनों को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था लेकिन तुम तीनों ने मेरी बात नहीं सुनी। अब मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगी जो दोबारा कभी किसी मासूम को परेशान करने की हिम्मत नहीं होगी तुम्हारी। उसके बाद तारा परी तीनों बहनों की जादुई छड़ी तोड़कर जला देती है और उन्हें गंजा कर देती है। चलो निकल जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें मारकर यहीं दफना दूंगी। परी की बात सुनकर तीनों बहनें घबराकर वहाँ से चली जाती हैं। हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी, लेकिन हमें एक बात की चिंता है, अगर तीनों बहनें फिर से आ गई तो दोबारा कौन हमें बचाएगा? चिंता मत करो, तुम जब भी मुसीबत में होगी मुझे एक बार जोर से आवाज लगाना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर परी चांद के घर के अंदर चली जाती है। कुछ ही पलों में चांद का घर भी वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ तीनों डायन बहनें चांद की परी से बदला लेने की ठान लेती है। एक दिन तीनों बहनें एक बड़े डायन से अपनी जादुई छड़ी तैयार करवा लेती है। हमारी ये जादुई छड़ी पहले वाली छड़ी से भी ज्यादा शक्तिशाली है, अब वो तारा परी हमारा सामना नहीं कर पाएगी। चलो अभी के अभी उस परी के घर जाकर उसे जान से मार डालते हैं। उसके बाद हम आसानी से बच्चों को पकड़कर उनकी बलि चढ़ा पाएंगे। तीनों बहनें हवा में उड़ने वाले झाड़ू की मदद से आसमान में चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद तीनों चांद के घर के सामने पहुंच जाती हैं। लगता है ये परी अभी सो रही है, चलो अभी के अभी जाकर अपनी छड़ी से इस परी को मार डालते हैं। उसके बाद तीनों बहनें अपनी जादुई छड़ी की मदद से आग का गोला तैयार करती हैं और चांद के ऊपर फेंकने लगती हैं। देखते ही देखते चांद का घर पूरी तरह से जलने लगता है। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खोलकर परी बाहर आ जाती है। अच्छा ये घटिया हरकत तुम तीनों की है, लगता है पिछली बार तुम तीनों को जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद परी आवाज लगाने लगती है जिसके बाद वहाँ ढेर सारी परियाँ आ जाती हैं। सभी परियाँ एक साथ मिलकर तीनों बहनों की बहुत पिटाई करने लगती हैं। तीनों डायन बहनें वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती हैं। तभी परियाँ उन्हें रस्सी से बांध देती हैं। उसके बाद सभी परियाँ मिलकर तीनों डायन बहनों को दूर किसी समुद्र में फेंक देती हैं। देखते ही देखते तीनों बहनें समुद्र के अंदर पानी में डूबकर मर जाती हैं। इस तरह तीनों बुरी डायन बहनों को उनकी किए की सजा मिल जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और कहानी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई मजेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।